हेलो फ्रेंड, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। तो गाइज़, यहाँ पे हमारे पास ये रेडमी 6A फ़ोन है। ये हमारा पार्ट टू है। पार्ट वन के अंदर मैंने इसके अंदर जो प्रॉब्लम थी वो 1.8 की लाइन हमारी शॉर्ट थी, जिसमें हमारा सीपीयू जो है वो उसके अंदर जो है वो शॉर्टिंग आ रही थी। बट उस वीडियो के अंदर इनकी शॉर्टिंग हट गई थी, उसके बाद भी ये जो सेट है वो चालू नहीं हो पा रहा था। ठीक है गाइज़, तो आज के इस वीडियो के अंदर इसको हम चेक करेंगे फ़ोन क्यों नहीं चालू हो रहा था, और फ़ोन जो वो ऑटो पोर्ट भी बन रहा था जैसा कि आपने उस वीडियो के अंदर देखा। ठीक है फ्रेंड, उस वीडियो में ऑटो पोर्ट बन रहा था और ये सेट चालू नहीं हो पा रहा था। तो ये आज का पार्ट टू है, इसको हम पूरी तरीके से रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। ये जो फ़ोन है वो ऑटो पोर्ट क्यों बन रहा है, कहाँ से इनकी प्रॉब्लम है, उसको इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे गाइस। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले मैं मदरबोर्ड को यहाँ पर सिंपली ओपन कर देता हूँ और यहाँ पर मैं मदरबोर्ड आपको यहाँ पर सिंपली दिखा देता हूँ। आपको देखने के शायद आइडिया मिल जाएगा कि ये वही सेट है जिसके अंदर जो है इनकी पावर एसी को मैंने निकाल दिया था, जो कि 1.8 की लाइन शॉर्ट थी, और यहाँ का जो कैपेसिटर है वो भी मैंने तोड़ा हुआ है, और इधर का भी जो है कैप यहाँ पे उसको भी मैंने तोड़ा हुआ, जो कि यहाँ पे ये लाइन शॉर्ट हमारी आ रही थी। ठीक है गाइस, तो मैं एक बार इनकी शॉर्टिंग अभी यहाँ पे देख लेता हूँ कि अभी ये यहाँ पे शॉर्टिंग है कि नहीं, क्योंकि उस वीडियो के अंदर इनकी जो शॉर्टिंग थी उसको मैंने यहाँ पे जो है वो फाइंड कर दिया था। ठीक है, तो इस अभी मैं एक बार जो है इनकी शॉर्टिंग को यहाँ पे एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। तो देखिए गाइस, यहाँ पे अभी हम सिंपली क्या करते हैं, ये जो रजिस्टर्ड है हमारा, जो कि हमारे ग्राफिक सेक्शन के लिए 1.8 जनरेट होता है, तो यहाँ पे उस टाइम शॉर्टिंग आ रही थी। और अभी आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारा फ़ोन है वो बिल्कुल ही नॉर्मल मूड में है और ये फ़ोन ऑन नहीं हो पा रहा है। फ़ोन को जैसे ही पीसी से कनेक्ट करते हैं तो ये ऑटो पोर्ट बना लेता है। ठीक है, तो चलो एक बार इसको हम चलते लेके पीसी के ऊपर और इसको दिखा देता हूँ ऑटो पोर्ट ये बनता है और इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, किस तरीके से इसको रिपेयर करेंगे वो भी हम देखेंगे। तो पहले यहाँ पर मैं इसको फिक्स कर देते हैं। ठीक है, लगा देते हैं सारी चीज़ें, सेट ऑन नहीं हो पा रहा है, ऑटो पोर्ट आ रहा है जैसे कि मैंने आपको कहा। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहले चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, लाइट हम कर देते हैं यहाँ से ऑफ। ठीक है, तो गाइज यहाँ से सिंपली हम डिवाइस मैनेजर को ऑन कर लेते हैं और इसी कंडीशन में देखो ये फ़ोन जो है वो ऑटो पोर्ट जा रहा है, तो इसको एक बार सिंपली पहले हम फ्लैश करेंगे अपने यूएमपी डोंगल के थ्रू। ठीक है, उसके बाद ही आगे हम कोई काम करेंगे इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि ये ऑटो पोर्ट बन रहा है। ठीक है, तो अभी हो सकता है इनकी सीपीयू से भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो भी हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो यहाँ पे पोर्ट वाले सेक्शन को यहाँ पे ओपन करते हैं और सिंपली हम क्या करते हैं, ये डाटा केबल इसके अंदर हम यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, तो देखो गाइस, जैसा मैंने इसके अंदर डाटा केबल लगाया तो यहाँ पे ये मीडियाटेक का पोर्ट आप देख सकते हो, यहाँ पे ये मीडियाटेक का जो पोर्ट है वो यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो एक बार इसको क्या करते हैं, हम यूएमटी के थ्रू एक बार फिर इसको फ्लैश करके देखते हैं। ठीक है, क्या ये फ्लैश हो पाता है या नहीं हो पाता है, या फ्लैश होने के बाद भी ये ऑन होता है या नहीं होता है, जो भी चीज़ें गाइस होगी इस वीडियो के अंदर बिल्कुल लाइव होगा। ठीक है, तो आप वीडियो देखिए। यहाँ पर अभी हम मैंने जो है मीडियाटेक का जो है यूएमटी का एमटीके टूल मैंने यहाँ पर ओपन किया है और इसको एक बार फ्लैश करके इस वीडियो में हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये इनका जो टूल है वो उसको ऑन होने का हम वेट कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे ये ऑन हो चुका है। सिंपली अभी हम चलते हैं फ्लैशिंग के ऊपर और यहाँ पे फ्लैशर के ऊपर और यहाँ पे मॉडल आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ से मैं इनका जो मॉडल है वो सेलेक्ट कर देता हूँ इस साइड से। ठीक है, ये रेडमी का 6A डिवाइस है और यहाँ से लोड स्केटर पर क्लिक करना है और फाइल जहाँ पर भी है वहाँ पर आपको डालना है। तो यहाँ पर इनकी जो फाइल है वो 6A ये फाइल है इनकी, तो ये फाइल को यहाँ से मैं दे देता हूँ। देखो ये रेडमी 6A की फाइल है। अभी मैं इनको बाहर निकाल देता हूँ और सिंपली यहाँ पे हम कर देते हैं फ्लैश। ठीक है, फ्लैश पर मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है और फ्लैश पे क्लिक करने के बाद इनका वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस करके, वैसे तो ये ऑटो बन रहा है तो सिंपली आप इसको ऑटो ही लगा दीजिए, डायरेक्टली ही मैं लगा देता हूँ क्योंकि फ़ोन हमारा ऑटो बन रहा है। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे जो हमारा फ़ोन कनेक्ट हो चुका है पीसी से और हम देख लेते हैं क्या फ़ोन हमारा फ्लैश हो पाता है या फिर नहीं हो पाता है। तो देखो गाइस, यहाँ पे फ्लैशिंग जो है वो हो नहीं रही है, यहाँ पे डीए आके यहाँ पे रुका हुआ है। हम यहाँ पे पहले थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, देख लेते हैं फ्लैश होता है या नहीं होता है। तो हम यहाँ पे पहले थोड़ा सा वेट करते हैं। तो सिंपली गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो वो एरर देखने को मिल रहा है, मतलब फेल हो चुका है हमारा डीए स्टेटस प्रोटोकॉल एरर, यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे में शो हो रहा है गाइस। ठीक है, तो देखो गाइस, इस तरीके की जो कंडीशन आती है वो हमारे ईएमएमसी से भी आती है और सीपीयू से भी आती है। ठीक है, तो ये फ़ोन ऑटो पोर्ट बन रहा है तो इसके लिए सबसे पहले इसके ईएमएमसी को निकालेंगे। ठीक है,
निकालने के बाद इसको UFI बॉक्स के अंदर डालेंगे और UFI बॉक्स के अंदर डाल के चेक करेंगे क्या ये इसकी EMM से ठीक है या फिर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है। तो वो चीज़ चेक करना है अपने को। यहाँ पे जो इसके अंदर फ्लैशिंग नहीं हो पा रही है और फ़ोन हमारा यहाँ पे बन रहा है ऑटो पोर्ट, ठीक है। तो ये इसके अंदर जो गाइस EMMC लगी हुई है वो यहाँ पे SK Hynix की EMMC लगी हुई है यहाँ पे, जैसा कि मैंने इसको देखा है, ठीक है। तो अभी हम सिंपली इनकी जो EMMC IC है उसको हम यहाँ पे बाहर निकालेंगे गाइस, ठीक है। ये इसकी EMMC IC है यहाँ पे, इसको हम पहले फटाफट बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। और निकालने के बाद एक बार UFI बॉक्स के अंदर इसको हम चेक कर लेते हैं। तो सिंपली फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी EMMC को मैंने यहाँ पे बाहर निकाल दिया है जो कि हमारा SK Hynix का है, ठीक है। तो इसको सिंपली एक बार पहले हम क्लीन करते हैं और यहाँ से अपना जो UFI बॉक्स होता है उसको हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। इसको UFI बॉक्स के ऊपर हम चेक करेंगे। तो गाइस यहाँ पे ये क्लीन हो चुका है। अभी UFI बॉक्स के अंदर इसको हम यहाँ पे अडेप्टर पे लगाते हैं और लगाने के बाद एक बार इसकी इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं क्या ये EMMC ओके है या फिर नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। यहाँ से मैं जूम आउट कर लेता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे सिंपली मैंने UFI ओपन कर दिया है, यहाँ से ओके कर देता हूँ क्लोज़, और यहाँ से सिंपली इस तरीके से सिंपली यहाँ पे आइडेंटिफाई EMMC पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो सिंपली फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो EMMC है वो प्रॉपर ओके है, EMMC के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, EMMC अपने तरीके से पूरी तरीके से आइडेंटिफाई हो रहा है गाइस, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो EMMC पूरी तरीके से आइडेंटिफाई हो रहा है। इसके अंदर जो मेन प्रॉब्लम गाइस आ रही है वो CPU की प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि CPU की जो वो लाइन शॉर्ट थी और CPU को जैसे मैंने यहाँ पे DC मशीन से हटाया तो इनकी जो CPU है वो मुझे लगता है, क्योंकि CPU शॉर्ट थी वहाँ पे, दोबारा जैसे मैंने वोल्टेज दिया जो कि हमारा DC एम्पेयर से 2 वोल्टेज 5 एम्पेयर, जैसे मैंने दिया 2 वोल्टेज 5 एम्पेयर, तो उसके अंदर मेरे को लगता है इनकी जो CPU है वो प्रॉब्लम हो गई है। तो इसका जो गाइज वो CPU हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो अभी इनकी जो EMMC है वो प्रॉपर ओके है, तो EMMC पे कोई भी वर्क नहीं करेंगे, सीधा सिंपली इसकी CPU को निकालेंगे और उसको चेंज करेंगे, क्योंकि ये फ़ोन ऑटो बन रहा है इसका मतलब इसकी CPU डैमेज हो गई है। तो सीधा CPU को ही चेंज करेंगे गाइज, ठीक है। CPU चेंज करेंगे और ये जो EMMC जो अभी निकाल के मैंने इसके अंदर आइडेंटिफाई किया है ये ओके है, इसी EMMC को उसके ऊपर हम लगा देंगे, ठीक है। तो चलो इनकी जो CPU चेंज करने की प्रोसेस है उसको हम फटाफट कर लेते हैं। मेरे पास एक दूसरा CPU है जो कि मैंने ऑलरेडी पहले से रिवॉल्व करके रखा हुआ है, मेरे हिसाब से वो प्रॉब्लम थी तो मैंने उसको रिवॉल्व करके एक CPU जो मैंने रखा हुआ है, तो CPU इसका हम पहले चेंज करके देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं फ़ोन के ऊपर, ठीक है। और फटाफट गाइस इनकी जो CPU है उसको यहाँ पे हम सिंपली चेंज करेंगे, ठीक है। ये MediaTek का CPU लगा हुआ है तो इसके लिए सिंपली हम इनको अपने स्टैंड पे लगा के इनकी CPU को चेंज करके एक बार देख लेते हैं। तो सिंपली फ्रेंड इसकी CPU को भी मैंने यहाँ से बाहर निकाल दिया है, CPU की बॉल को भी मैंने मदरबोर्ड को क्लीन कर दिया है और यहाँ पे मेरे पास दूसरी CPU है जो कि अभी हम इस वाले मदरबोर्ड के ऊपर फिक्स करेंगे, ठीक है गाइस। तो ये CPU हमारी सॉर्टिंग है, जो सॉर्टिंग थी जो हट गई है अभी फ़िलहाल, ये डैमेज है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे साइड रखते हैं और ये जो CPU गाइस, ये जो CPU इसको सिंपली हम इसके ऊपर फिक्स कर देते हैं। और जो हमारे पास ये EMMC IC है जो कि मैंने UFI बॉक्स के अंदर डाला हुआ है, देखो ये SK Hynix का है, ठीक है। तो ये EMMC को रिवॉल्व करके जो कि इसी फ़ोन का है, ठीक है, रिवॉल्व करके इस डिवाइस के अंदर हम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। तो पहले फटाफट CPU लगा देते हैं, उसके बाद इसकी EMMC को रिवॉल्व करके इसको
इसको भी हम लगा देंगे, ठीक है गाइस। उसके बाद देखते हैं सेट हमारा चालू होता है या नहीं होता है, क्योंकि सीपीयू डैमेज है, ईएमएमसी इसकी प्रॉपर ओके है, ठीक है। तो चलो फटाफट पहले सीपीयू लगा के एक बार देख लेते हैं। तो सिंपली दोस्त यहाँ पे ईएमएमसी भी हमारी रिवॉल्व हो गई है, ठीक है। अभी हम सिंपली क्या करते हैं, फ़ोन को हम अभी इस तरीके से पैक करते हैं, और पैक करने के बाद एक बार इसी तरीके से हम एक बार चेक कर लेते हैं कि फ़ोन हमारा ऑटो पोर्ट बनाता है या नहीं बनाता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसको जो है वो लगा दिया है, और हम यहाँ पे चलते हैं अभी अपने लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पे जो हम सिंपली एक बार इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम आ चुके हैं अभी लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर गाइस, ठीक है। यहाँ पे गाइज अभी हम सिंपली इसको चेक करेंगे कि फ़ोन हमारा ऑटो पोर्ट बनाता है या नहीं बनाता है, क्योंकि इसके अंदर ईएमएमसी नहीं है। मैं इस तरीके से लगा देता हूँ सिंपल, देखो गाइज मैंने लगाया और यहाँ पे ये फ़ोन ऑटो पोर्ट बना लिया है, ठीक है गाइज देख सकते हो ये ऑटो पोर्ट बना लिया है, ठीक है। अभी सिंपली करना है क्या, इसको निकालना है, और जो ईएमएमसी मैंने रिवॉल्व किया है जो कि इसके ही ईएमएमसी थी, मैंने ओनली सिर्फ सीपीयू चेंज किया है, ठीक है। तो अभी हम सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं और ये जो ईएमएमसी आईसी है इसको इसके ऊपर हम लगा के यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। तो सिंपली गाइस यहाँ पे देख सकते हो कि इसकी जो ईएमएमसी आईसी है उसको मैंने यहाँ पे बैठा दिया है, ठीक है। वो प्रॉपर सही तरीके से इस पर लग गया है, अब देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, सही तरीके से यहाँ पे गाइस लग गया। अभी सिंपली एक बार सेट को हम यहाँ पे ऑन करके देखते हैं कि जो सेट है हमारा वो ऑन होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा इनको थोड़ा सा क्लीन कर लेना है, और थोड़ा सा मदरबोर्ड को ठंडा होने का आपको वेट कर लेना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, ठीक है। तो चलो अभी गाइज एक बार ही सिंपली हम इसको लगाते हैं, और लगाने के बाद एक बार सेट को यहाँ से हम ऑन करके देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं कुछ इस तरीके से इसको सिंपली यहाँ पे लगा देता हूँ, यहाँ पे भी इसको लगा देता हूँ, और इस तरीके से लगाता हूँ, ठीक है। और यहाँ से इनकी जो पावर की है सिंपली इसको हम यहाँ पे प्रेस करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो गाइज इसकी पावर की को मैंने यहाँ पे प्रेस किया, तो गाइज यहाँ पे प्रेस करने के बाद भी सेट यहाँ पे ऑन नहीं हो पा रहा है, कुछ भी वाइब्रेट वगैरह देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो एक बार इसको हम पीसी पे लगा के चेक कर लेते हैं, जो अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ, तो गाइज जैसा मैंने लगाया तो ये जो फ़ोन है वो ऑटो पोर्ट फिर से यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक बार फ्लैश करके यहाँ पे जो है ऑटो पोर्ट बन रहा है, ईएमएमसी मैंने लगा दिया है। एक बार फिर से हम फ्लैश करके देखते हैं, क्योंकि ये पहले भी ऑटो पोर्ट ही बन रहा था जो सीपीयू चेंज करने से भी पहले, ठीक है। फिलहाल अभी मैंने सीपीयू को चेंज कर दिया है, इसकी जो ईएमएमसी है वो यूएफआई बॉक्स के अंदर आइडेंटिफाई हो रहा था, ठीक है। तो मैंने इसकी ईएमएमसी इसके ऊपर लगा दिया है, ठीक है। लगाने के बाद यहाँ पे सिंपली हम फ्लैश पे क्लिक करते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे ये फ्लैश होता है कि नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने फ्लैश पे क्लिक किया, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ। तो देखो गाइस यहाँ पे जो है मैंने फ्लैश पे क्लिक किया हुआ है, और यहाँ से मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। देखो यहाँ से जो पोर्ट है वो ऑटो छोड़ दिया है, मैं लाइट यहाँ से ऑफ़ कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से फिर से जो डिवाइस है इसको यहाँ से मैं बाहर निकाल लेता हूँ, बैटरी मैं निकाल देता हूँ। बैटरी फिर से निकाल के इनका जो वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन बटन है एक बार ये ऐसे ही लगा के हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे लगा देते हैं, क्योंकि हमारा पोर्ट ऑटो जनरेट हो रहा था। तो यहाँ पे हम वेट करते हैं, देखते हैं हमारा फ़ोन फ्लैश होता है या नहीं होता है। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो फ़ोन है वो यहाँ पे फ्लैश होना स्टार्ट हो गया है। तो चलो यहाँ पे मैं पहले थोड़ा सा वेट करता हूँ फ़ोन को फ्लैश होने का, क्योंकि पहले ये जो फ़ोन ऑटो पोर्ट बन रहा था उस टाइम ये फ़ोन फ्लैश नहीं हो पा रहा था। अभी मैंने सीपीयू को चेंज कर दिया है और ये फ्लैशिंग यहाँ पे होना स्टार्ट हो गया है। हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं फ़ोन को फ्लैश होने का, ज़्यादा समय नहीं लगेगा गाइस, क्योंकि ये मीडियाटेक प्रोसेसर है, इसमें जो वो यूएमटी के थ्रू ज़्यादा समय नहीं लगता है। देख सकते हो कितनी स्पीडी में ये फ्लैश हो रहा है, ठीक है। चलो हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं।
तो सिंपली फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो हमारा फ़ोन फ्लैशिंग होने वाला है कम्प्लीट। यहाँ पे पोर्ट हमारा बना हुआ है, अभी आप देख सकते हो हमारा फ़ोन यहाँ पे फ्लैश हो चुका है, ठीक है। और फ्लैश होने के बाद यहाँ पे गाइज देख सकते हो पोर्ट हमारा यहाँ से जो वो छोड़ दिया है, देख सकते हो यहाँ से पोर्ट हमारी चली गई है गाइज, ठीक है। और फ़ोन हमारा यहाँ पे अभी भी ये सेट ऑन नहीं हो पाया, यहाँ पे ये सिंपली जो इनकी जो ये वाइट लाइट है वो अभी भी यहाँ पे जल रही है, बट सेट ऑन यहाँ पे नहीं हो पाया। देखो इनका मैं इनको मैं बाहर कर देता हूँ, एक बार यहाँ पे फिर से मैं लगा के देखता हूँ। तो देखो गाइज अभी यहाँ पे ये पोर्ट नहीं बना रहा है जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, बट यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो पा रहा है डिस्प्ले पे। इनकी ये लाइट जल रही थी, अभी ये चली गई। तो एक बार इसको अभी हम डीसी मशीन के ऊपर चेक करेंगे, डीसी मशीन के ऊपर क्या रीडिंग देखने को मिलता है, डीसी मशीन पर जो सेट है वो चालू होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो चलो एक बार हम अपने डीसी मशीन के ऊपर आ चुके हैं अपने डीसी मशीन के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे हम सिंपली एक बार चेक करेंगे इनका पोर्ट केबल को लगा के कि यहाँ पे जो है वो क्या देखने को मिल रहा है, क्योंकि डिस्प्ले पे कोई भी लाइट वगैरह नहीं आ रही है। तो यहाँ पे डीसी मशीन से पता चल जाएगा कि सेट हमारा ऑन हो रहा है या फिर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो चलो एक बार इनका जो बूट केबल है वो पहले हम यहाँ से खोज लेते हैं। गाइज देखो इस वीडियो के अंदर ना काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ा है, काफ़ी चीज़ें इसके अंदर जो वो देखने को आपको मिली होगी जैसा कि आपने देखा, ठीक है। तो मैं पहले इनका जो बूट केबल है तो वो यहाँ पे खोज लेता हूँ। तो यहाँ पे गाइज इनका ये बूट केबल यहाँ पे मिल गया, ठीक है, ठीक है सिंपली। तो अभी सिंपली करना है क्या है, यहाँ पे इनका ये जो है इनको सिंपली यहाँ से हटा देना है। तो यहाँ से मैंने इनका जो हमारा ये बैटरी को हटा देना है सिंपली। तो इसको भी हटा देते गाइज क्योंकि ये लगने के बाद ये लगता नहीं है यहाँ पे, ठीक है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगा देना है, और लगाने के बाद गाइस देखो ये जो है इनका पत्ता यहाँ से कट गया है, अभी देख सकते हो आप, ठीक है। तो चलो इसको बाहर निकाल के एक बार सेट को यहाँ से हम ऑन करके एक बार देखते हैं कि डीसी मशीन पे यहाँ पे क्या रीडिंग देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम सिंपली ग्राउंड पे टच करते हैं, और अभी यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस कि सेट जो है वो हमारा चालू यहाँ पे हो रहा है। डीसी मशीन पे आप देख सकते हो हमारा जो एम्पेयर है वो यहाँ पे फैक्चुलेट हो रहा है, और हमारा जो रीडिंग है वो आप देख सकते हो एम्पेयर देख सकते हो काफ़ी फैक्चुलेट हो रही है। इसका मतलब गाइस हमारा जो सेट है वो यहाँ पे ऑन हो गया है, बट डिस्प्ले पे यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। सॉरी बैटरी निकल गई इसकी, एक बार मैं फिर से यहाँ पे लगा देता हूँ। तो गाइस इसके डिस्प्ले पे कुछ भी देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है, इसके डिस्प्ले पे कुछ भी शो भी नहीं हो पा रहा है, ना ही डिस्प्ले पे कुछ देखने को मिल रहा है। वाइब्रेट तो गाइस इसके वजह से नहीं हो रही क्योंकि इसका जो पिन है वो एक यहाँ पे डैमेज है जैसा कि आप देख सकते हो, ठीक है। बट इसके ऊपर जो है वो डिस्प्ले पे लाइट भी कुछ भी यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। एक बार मैं यहाँ पे फिर से सेट को ऑन करता हूँ। तो गाइस यहाँ पे एक बार हम दूसरा डिस्प्ले भी लगा के चेक करेंगे। देखो यहाँ पे मैंने इनकी पावर की को प्रेस किया, अभी आप देख सकते हो डीसी मशीन के ऊपर कि यहाँ पे रीडिंग हमारी फैक्चुलेट हो रही है और डिस्प्ले पे कुछ भी शो नहीं हो पा रहा, ठीक है गाइस। तो मेरे पास यहाँ पे एक दूसरा सेट है जो कि सॉफ्टवेयर के लिए आया हुआ था, ये Redmi का 6A ही डिवाइस है। तो इसका मैं जो है गाइस इनके बैटरी निकाल लेता हूँ और इसका डिस्प्ले एक बार निकाल के उसके ऊपर हम लगा के देखते हैं। तो यहाँ पे देखो इनका डिस्प्ले को जो है इनका पत्ता यहाँ से बाहर कर लेना है। गाइस मैं जो भी चीज़ें हैं गाइस इस वीडियो के अंदर सब कुछ जहाँ से जहाँ तक हो पाया है मैंने सारी चीज़ें इसके ऊपर बताने की पूरी कोशिश की है, ठीक है गाइस। जो भी मेरे से जो मुझे आता है, जो भी जिस तरीके से मैं काम करता हूँ उस हिसाब से मैंने आपको इस वीडियो के अंदर एक एक इन्फॉर्मेशन दी है जहाँ तक मैं अपने से करता हूँ, जिस तरीके से मैं फ़ोन रिपेयर करता हूँ, ठीक है। तो अभी एक बार मैं इनका बूट केबल को यहाँ पे लगाता हूँ, एक बार फिर से यहाँ पे मैं सेट को ऑन करता हूँ। देखो क्योंकि ये इसका जो ये टच वगैरह वो टूटा हुआ है, ठीक है, तो शायद अब प्रॉब्लम हो सकता है इसके अंदर। नीचे मत जा भाई, थोड़ा सा रुक जा, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको ठीक है, अभी एक बार सिंपली हम फिर से इनकी पावर की को प्रेस करते हैं कुछ इस तरीके से। सॉरी यहाँ से एक बार प्रेस करते हैं। तो देखो गाइज यहाँ पे मैंने प्रेस किया और यहाँ पे देखिए गाइज ये MI लोगो यहाँ पे हमारे डिस्प्ले पे आ गया जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो गाइज यहाँ पे MI लोगो हमारा आ चुका है जो कि पहले नहीं आ रहा था, बिल्कुल ही डेड कंडीशन में गाइज सेट था। मैं इनका जो मदरबोर्ड है वो भी पूरा का पूरा ओपन करके आपको यहाँ पे दिखा दूंगा, ठीक है। अभी अब मैं लाइट यहाँ से ऑफ करता हूँ। अभी आप देखिए गाइज कि यहाँ पे जो सेट है वो हमारा ऑन होना स्टार्ट हो गया है,
काफ़ी ज़्यादा इनका सीपीयू को चेंज करने के बाद, जो कि हमारी 1.8 की लाइन शॉर्ट थी, ठीक है, उसको इनकी सीपीयू ही डैमेज हो गई थी, तो सीपीयू मैंने चेंज कर दिया। और यहाँ पे देखो इस तरीके कुछ ऑप्शन आ रहा है फ्लैश करने के बाद, तो यहाँ पे आप इसको क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पे ये जो है वो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि इनका जो टच का पैड है वो इसके अंदर लगा हुआ है, ये देखो, ठीक है। तो खैर चलो बूट केबल निकाल देते हैं, इनका ये पैड यहाँ से डाल देते हैं। अब एक बार इनकी जो बैटरी है उससे एक बार हम ऑन करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम सिंपली बैटरी यहाँ से एक बार हम ऑन करते हैं बैटरी के ऊपर। देखो गाइज यहाँ से ये ऑन हो गया, ठीक है। तो गाइज़ ये उम्मीद है कि गाइज़ ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी गाइज़, ठीक है। तो एक बार मैं इनका जो मदरबोर्ड होता है वो मैं पहले कंप्लीट आपको ऑन करके यहाँ पे जो है मतलब बोर्ड जो है वो ओपन करके मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देख सकते हो सेट हमारा यहाँ पे चालू होना स्टार्ट हो गया है, थोड़ा टाइम लगेगा सेट को पूरा कंप्लीट ऑन होने में, ठीक है। तो चलो मैं बैटरी बाहर निकाल देता हूँ, और ये जो मदरबोर्ड है पहले ये मदरबोर्ड मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि आपको ऐसा ना लगे कि गाइज मैंने मदरबोर्ड इसका चेंज कर दिए। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, देख सकते हो पूरा कंप्लीट यहाँ पे, जो कि ये वही मदरबोर्ड है, इस पर मैंने यहाँ पे कैप नहीं लगाया हुआ है। तो ये जो कैपेसिटर है वो भी यहाँ पे लगा दीजिए आप, और यहाँ पे जो निकाला है वो भी लगा दीजिए। आपको थोड़ा सा बोर्ड को क्लीन करके अच्छे से पैक करके आप कस्टमर को दे सकते हैं, बट इसका जो डिस्प्ले है वो भी डैमेज है गाइस, ठीक है। तो फ्रेंड उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड हम मिलते हैं कोई ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में के अंदर, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।